हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज हम करते हैं हमारा रिवीजन स्टार्ट सीबीएसई एग्जाम्स के लिए। तो पहले मैं आज आप लोगों के लिए क्लास टेंथ की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उसके बाद अगर कमेंट आएंगे तो मैं उसके लिए क्लास ट्वेल्थ की जो वीडियो है वो अलग से डाउनलोड अपलोड कर दूंगी। पूरा का पूरा जो मैथ है वो आप लोगों का एग्जाम से पहले मैं रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। आज हम करते हैं स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर करवाऊंगी, जो लास्ट ईयर आए हुए हैं और जो आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। सिर्फ वही क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री का, वो हमारे पास क्या है? देखो, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? एक्स टेंजेंट 60 को 60 इज इक्वल टू साइन 60 इंटू में कोर 60, देन एक्स हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। एक्स एज इट इज टेंजेंट 60 हमारे पास क्या होता है, रूट 3 इंटू में कोर 60 हमारे पास क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू साइन 30 साइन 60 हमारे पास क्या होता है, रूट 3/2, और इंटू में हमारे पास जो कोर 60 है, कोर 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, एक्स इंटू में रूट 3/2 इज इक्वल टू 1/2, 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/√3। अब 1/√3 जो हमारे पास वैल्यू होती है वो हमारे पास किसकी होती है, टेंजेंट 30 डिग्री की। तो इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट 30 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ सैम्पल पेपर के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर के अंदर आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू रूट 2, देन हमें फाइंड आउट करना है टेंजेंट थीटा प्लस में कोट थीटा, ठीक है। तो इसको देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, पहले हम क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे जो हमारे पास गिवन है, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है, रूट 2, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है, स्क्वेयर, यानी कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वेयर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इज इक्वल टू में 2, यहाँ से 1 उधर चला जाएगा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 माइनस का 1 आ गई। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/2, ये आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो साइन टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से साइन कोस हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वेयर थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1, और साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1/2, तो ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा प्लस को थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है और ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये आपका, और आसान भी है, ठीक है। एक बार मैं ब्लू मार्क के साथ देख में दिखेगा यानी आप लोगों को। देखो क्या दे रखा है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 दे रखा है, 1 किस पे होता है, साइन 90 डिग्री के ऊपर होता है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, कोस ऑफ ए माइनस बी रूट 3/2, रूट 3/2 हमारे पास किस पे होता है, कोस 30 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, 2a इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 60 डिग्री। a हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा, तो b हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 माइनस का 60, 30 डिग्री, तो b हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री। तो a हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, और b हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, मेजर्स हो जाएंगी ए और बी की। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसी का, देखो एक क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, उसी का और में क्वेश्चन दे रखा है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस साइन थीटा किसकी कुल दे रखा है, 1-√3 अपॉन में 1+√3, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, किससे,
कोस थीटा से, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस का क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस में क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। कोस से कोस कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, ये इज इक्वल टू में वन माइनस का रूट थ्री अपॉन में वन प्लस का रूट थ्री एज इट इज, ठीक है। वन माइनस का साइन में कोस क्या होता है टेन थीटा, और नीचे भी क्या आ गया वन प्लस का टेन थीटा इज इक्वल टू वन माइनस का रूट थ्री अपॉन में वन प्लस का रूट थ्री, ठीक है। अब यहाँ से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई रूट थ्री आ गई, और टेंजेंट थीटा हमारे पास रूट थ्री किस पे होता है 60 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो थीटा है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, देखने में क्वेश्चन आप लोगों को टिपिकल सा लग रहा होगा, मुश्किल सा समझ नहीं आ रहा होगा कैसे करना है, लेकिन हम क्या करेंगे इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड कर देंगे, हमारा टेंजेंट में आ जाएगा। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास टेंजेंट थीटा रूट थ्री के इक्वल आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 60 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ट्रिग्नोमेट्री का, ये देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या देखा है सॉरी टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन वन प्लस में टेन स्क्वेयर थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा अपॉन वन प्लस कोट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू दे रखा है सीकेंट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा सॉरी सीकेंट थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस का टू साइन थीटा इंटू में कोसेकेंट थीटा, ठीक है। जब भी आपको एग्जाम के अंदर टेंजेंट कोट में या कोसेकेंट में किसी में भी क्वेश्चन मिल जाए सिर्फ साइन कोस को छोड़ के, तो आपको हमेशा क्या करना है उस क्वेश्चन को साइन कोस के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को यही काम करना है, तो इसको साइन कोस में चेंज करिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा कोस क्यूब थीटा, ठीक है। सिमिलरली नीचे क्या आ जाएगा वन प्लस में साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा कोट को क्या लिखेंगे कोस क्यूब थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, नीचे हमारे पास आ जाएगा वन प्लस का कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है नीचे एलसीएम लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा देखो साइन क्यूब थीटा एज इट इज, नीचे आपके पास क्या है कोस क्यूब थीटा ये भी एज इट इज, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में साइन स्क्वेयर थीटा, और नीचे आपके पास एलसीएम क्या आ गया कोस स्क्वेयर थीटा, दैट्स ठीक। अब आगे देखो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे भी कोस क्यूब थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, नीचे आपके पास वही सेम हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। अब देखो ये तो वन हो जाएगा और ये पलट जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा देखो साइन क्यूब थीटा अपॉन में कोस क्यूब थीटा इंटू में आपके पास क्या आ जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। प्लस में ये भी आपके पास क्या हो जाएगा कोस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा इंटू में आपके पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। ये स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल हो गया, क्यूब से यहाँ पे भी एक पावर बचेगी नीचे, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस में क्या आ जाएगा कोस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहां तक सभी को क्लियर है, यहां से हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व किया है सिर्फ और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास एलसीएम क्या आएगा साइन कोस आएगा साइन थीटा कोस थीटा, अभी क्या हो जाएगा साइन की पावर फोर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा कोस की पावर फोर थीटा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर माइनस में क्या लिख सकते हैं टू साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, और नीचे आपके पास साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज चलेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है, दिख रहा है ना यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम क्या करेंगे साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा तो हमारे पास क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर देंगे सिर्फ अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये वन हो गया, तो वन अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा माइनस में टू, पावर से पावर कट जाएगी तो साइन थीटा और कोस थीटा ये आ जाएगा। ये देखो टू साइन थीटा कोस थीटा तो एज इट इज आ गया, इसको वन बाय साइन को क्या लिख सकते हो कोसेकेंट थीटा, और वन बाय कोस को क्या लिख सकते हो सेकेंट थीटा माइनस का टू साइन थीटा कोस थीटा, ये हमारे पास क्या आ गया हमारी
राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया हमने। सबसे पहले हमने क्या किया, टेंजेंट में दे रखा था उसको साइन कोस में चेंज कर लिया। ठीक है, साइन क्यूब थीटा अपन में कोस क्यूब थीटा, कोट को हम लिख सकते हैं कोस क्यूब थीटा अपन में साइन क्यूब थीटा। उसके बाद इसका एलसीएम लेके जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया है। देन हमने यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज की है, वो हमारे पास क्या थी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर की। ठीक है, देन हमने इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया और ये हमारे पास क्या आ गया, हमारी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। डरने की जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान, अगर आप उसको करोगे ना तो बहुत आसान है। कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आपको टेंजेंट कोट के अंदर या किसी भी चीज के अंदर सिर्फ साइन कोस को छोड़ के, तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ उस क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज कर देना है। ठीक है, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक नंबर के अंदर क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है, साइन अल्फा इज इक्वल टू वन बाई टू कोस बीटा इज इक्वल टू वन बाई टू, तो हमें अल्फा प्लस बीटा बताना है क्या होता है। ठीक है, तो साइन अल्फा हमारे पास वन बाई टू किस पे होता है, तो साइन अल्फा हमारे पास होता है वन बाई टू किस पे, साइन थर्टी डिग्री पे। ठीक है, कोस बीटा हमारे पास वन बाई टू किस पे होता है, कोस सिक्सटी डिग्री पे होता है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, थर्टी डिग्री, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिक्सटी डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना हमें, तो वो क्या आ जाएगा, थर्टी प्लस का 60 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, क्या दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, साइन थीटा क्या दे रखा है, ए बाई बी। तो हमसे पूछा कोस थीटा बताओ आपके पास क्या आएगा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास दे रखी है ए बाई बी, तो कोस थीटा आपसे पूछा कि कोस थीटा आपके पास क्या आएगा, तो कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज करनी है, कौन सी, कि साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है, वन। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो प्लस माइनस वन माइनस में साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ए बाई बी, तो साइन स्क्वेयर की क्या हो जाएगी, ए स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन में बी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये भी जो आपका क्वेश्चन है वो आपका एक नंबर के अंदर पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो आंसर नंबर क्या है, थर्ड है, वो आपका क्या हो जाएगा, ट्री हो जाएगा। आगे समझ में, ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या आदर है ट्रिग्नोमेट्री का, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या आदर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आदर है, वन प्लस में कोट स्केर अल्फा अपॉन में वन प्लस कोशिकेंट अल्फा को आप लोगों को प्रूफ करना है कोशिकेंट अल्फा के इक्वल। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया था कोट टेंजेंट में कुछ मिल जाए आप लोगों को उसको साइन कोस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, वन प्लस में कोट अल्फा को आप लोग क्या लिखोगे, कोस स्केयर अल्फा अपोन में साइन स्केयर अल्फा। ठीक है, नीचे आपके पास सेम वन प्लस में कोस अल्फा कोट कोसिकेंट को क्या लिखोगे, कोस अपोन में सॉरी कोसिकेंट को आप क्या लिखोगे, वन अपोन में साइन अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, साइन स्केयर अल्फा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, देखो वन प्लस में कोस स्केयर अल्फा अपोन में साइन स्केयर अल्फा। ठीक है, नीचे आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इसके नीचे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस वन अपोन में क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। अब इसको पलट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस में कोस स्केयर अल्फा अपोन में क्या हो जाएगा, साइन स्केयर अल्फा इंट में क्या हो जाएगा, साइन अल्फा अपोन में वन प्लस का साइन अल्फा। ठीक है, एक साइन अल्फा से साइन अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया वन प्लस में कोस स्केयर अल्फा अपोन में वन प्लस का साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, ये चीज आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, नीचे जो है चीज वो सेम हमारे पास क्या आ जाएगी, एलसीएम आ जाएगी, यहाँ पे साइन अल्फा भी आएगा, ये वाला साइन अल्फा। ठीक है, अब ये टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, एलसीएम आ जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू वन प्लस में साइन अल्फा, ये इस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इंटू वन प्लस के साइन अल्फा प्लस में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखो इस साइन अल्फा को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इंटू वन प्लस में साइन अल्फा।
ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, वन। तो वन प्लस में साइन अल्फा, नीचे आपके पास क्या हो गया साइन अल्फा, और वन प्लस में साइन अल्फा। इस वन प्लस साइन अल्फा से वन प्लस साइन अल्फा कैंसिल हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया वन अपॉन में साइन अल्फा। और वन अपॉन में जो साइन अल्फा होता है वो किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट अल्फा के इक्वल होता है। और ये हमारी क्या आ गई राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरीके से करने हैं क्वेश्चंस को। पहले कुछ नहीं किया हमने, कोट को चेंज किया कोस और साइन में। मैंने आप लोगों को ये ट्रिक बता दी कि जो भी आ जाए साइन कोस के अलावा उसको आप लोगों को क्या कर लेना है, साइन कोस में कन्वर्ट कर लेना, आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर इतने सारे क्वेश्चन ही करवाऊंगी मैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगी। अगर आप लोगों को किसी और चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी चैनल के ऊपर नए बच्चे आते हैं वो प्लीज चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।